नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर। टीम इंडिया के कोच बनने के बाद बोले अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण के साथ मिलकर बनाएंगे टीम इंडिया के लिए रणनीति। पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा, भारतीय क्रिकेट के अच्छे दिन आने वाले हैं। भारत में गुलाबी गेंद से खेलने के पक्ष में आया अजिंक्य रहाणे, दिलीप ट्रॉफी में गुलाबी गेंद से खेलने के लिए हैं उत्साहित। बीसीसीआई ने साल से दिलीप ट्रॉफी के मैच को डिनाइड कराने का लिया है फैसला। चैंपियंस लीग T20 की जगह लेगा मिनी आईपीएल, सितंबर में अमेरिका में हो सकता है टूर्नामेंट, सभी 8 टीमें लेंगी हिस्सा। ओलंपिक की दौड़ से बाहर हुए स्टार मुक्केबाज विजेंदर सिंह, विकास समेत मनोज कुमार ने रियो का टिकट कटाया, विजेंदर सिंह ने विकास कृष्णन को दी शुभकामनाएं। और भारतीय बॉक्सर मनोज कुमार ने रियो ओलंपिक का टिकट कटाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया निवेदन, अपने झंडे के नीचे खेलना चाहते हैं ओलंपिक, तिरंगे की बजाय आईबा का झंडा प्रतिनिधियों का हौसला कर देता है आधा। ये तो हुई खेल जगत की खबरें, खबरें और भी हैं, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।